स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो अभी हम आए हैं मॉल क्योंकि आईफोन 13 आ चुका है और बहुत ज्यादा मार्केट में इसकी हवा चल रही है। अभी मैं प्राइस देख रही थी, सबसे महंगा वाला है 1800 यूरो का, विच इज क्लोज टू 1,70,000 रुपए। मतलब एप्पल करना क्या चाहती है, चलो तो जो भी है। हाँ, तो अभी जैसे आईफोन लॉन्च हुआ और जैसे यूजुअली आजकल जो भी अगर फोन्स में देखने जाओ तो मिनिमम भी जो है आईफोन का वो 800 यूरो का है, और उसके बाद में जैसे अगर मिड रेंज में जाओ तो 1200-1300 यूरो है। फिर अगर सैमसंग के भी कोई जैसे ये महंगे वाले फोन अगर देख लो तो इसी रेंज में आते हैं। तो हम लोग दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे कि एज ए स्टूडेंट जब आप यहाँ आते हो या फिर एज ए यू नो जॉब भी लेके आ रहे हो तो आईफोन या फिर नॉट आईफोन फोन लेने का क्या यहाँ पे प्रोसीजर है और ईएमआई बेस पे मिलता है क्या और मिलता है तो कितने में मिलता है और पोस्ट पेड प्रीपेड ये सब का थोड़ा बहुत डिफरेंस आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉप्स दिखाओ एक तो, और फिर सेकेंडली जैसे लैपटॉप हम इंडिया से लेके आए कि नहीं और फोन। तो आज मेजरली हम इस वीडियो में फोन की बात करने वाले हैं कि मतलब क्या डिटेल्स रहती है, कैसे आप बाय कर सकते हो, इंडिया से लेके आना चाहिए कि यहाँ से लेना चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं, चलते हैं एक दो शॉप्स में, एक्सप्लोर करते हैं ऑप्शंस और आपके साथ शेयर करते हैं डिटेल्स। तो सबसे पहले चलते हैं वोडाफोन में और देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। वोडाफोन में हो के आ गए हैं, अब ये चलते हैं मीडिया मार्क में। ये पूरा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो इसमें सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। रखे हैं बहुत सारे यहाँ पे, आपको जैसे 300 से लेके और फिर ऊपर तो रेंज आप कोई भी जा सकते हो, हर कंपनी का टीवी है यहाँ पे। ये यहाँ पे बहुत ही सारे अच्छे अच्छे ओएलईडी टाइप वाले टीवी रखे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। शिल्पा, टीवी अपग्रेड करने का टाइम आ गया क्या अपना? हाँ, और ये टीवी लो और उसके बाद में फ्लाइंग अब्रॉड के वीडियोस देखो। ये 20,000 यूरो का टीवी है, मतलब ऑलमोस्ट 18,00,000 रुपए। इस टीवी को लेने के बाद में शायद जिंदगी भर कभी थिएटर नहीं जा सकते, बट क्या क्वालिटी है, वाव। तो ये आ गए हैं फोन्स के सेक्शन में, बट यहाँ पे 13 तो अभी तक है ही नहीं डिस्प्ले में क्योंकि आया नहीं होगा, तो ये 12 का ही है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की प्राइस पता करते हैं, उसके बाद में आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। और ये सैमसंग के फोन्स पड़े हैं यहाँ, ये 1,000 यूरो का फोन है। अगर आप इसको 5 साल के लिए लेते हो तो आपको 21 यूरो महीने का पड़ेगा, बट 5 साल कौन रखता है आजकल फोन्स। सैमसंग जेड फोल्ड 3 है, ये 1800 यूरो का है, बट ये भी क्या यूनिक कॉन्सेप्ट है ये वाला। और फिर उसके साथ में एक ये वाला भी है जेड फ्लिप, मतलब फोन फोल्ड हो रहा है और ये स्क्रीन, वाओ। और अब ये यहाँ लैपटॉप्स के सेक्शन में आ गए हैं, तो यहाँ पे भी अगेन बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मुझे कुछ दिख रहे हैं 1400 यूरो के, कुछ 900 यूरो के भी हैं, बट यहाँ पे ना लैपटॉप्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया की प्राइस से, तो आप चाहो तो इंडिया में भी ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ आके भी ले सकते हो। ये वाला मॉनिटर देखो कितना ही क्रेजी मॉनिटर है, एकदम गेमिंग के लिए परफेक्ट है, लिखा हुआ भी है सैमसंग गेमिंग मॉनिटर। 1500 यूरो के आसपास का है तो वही हो गया 1,30,000 के आसपास। और यहाँ पे अगेन सारे के सारे मॉनिटर्स रखे हुए हैं तो वही है ऑलमोस्ट 100-120 यूरो, 10,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएंगे और सारे के सारे अप टू कितनी भी कोई लिमिट होती है 1,00,000-2,00,000 रुपये तक जाते हैं। ये जैसे एसुस का लैपटॉप पड़ा है, ये 799 यूरो का है, ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ के आसपास हो गया। ये 8 GB रैम है और 512 GB SSD। सो आप ही लोग देख के बताओ, कमेंट करो कि एग्जैक्टली कितना क्या प्राइस में डिफरेंस है। यहाँ पे मैकबुक प्रो रखा हुआ, ये अराउंड 2700 यूरोज़ का है। और शिल्पा एक ले लो यार मैकबुक। गिफ्ट कर दो, एडिटिंग में काम भी आएगा, अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 यूरो में भी आपको फ़ोन मिल जाएगा, आई मीन 1 यूरो में नहीं मिलेगा, मंथली आपके ऑलमोस्ट 22 यूरो लगेंगे। तो Xiaomi के या फिर ऐसे ही रेडमी और सैमसंग के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। शिल्पा ये वाला एक फ़ोन ले लो यार, नॉस्टैल्जिक भी हो जाएगा। ये अभी तक भी चलते हैं क्या, बचपन की याद आ गई। हेलो मोटो। ये आई थिंक मुझे लग रहा है कोई ना कोई कंपनी होगी जिसने सोचा होगा कि चलो मैं मार्केट में फिर से एंटर करती हूँ ये सब दिखा के। नानी नाना दादी दादा उन लोगों के लिए बटन, मेरी नानी को बटन ही चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं है हिस्ट्री रिपीट कर जाए खुद को कि वापस से चलने लग जाए, पैनासोनिक ने निकाला है यार, आई मीन इट्स कितना अच्छा तो दिख रहा है।
इनमें झंझट भी नहीं है ये सब चलाते रहो फेसबुक यूट्यूब और सब। ये ओके का 10 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट महीने। ये आईफोन 12 प्रो मैक्स रखा है यहाँ, तो ये 128 GB है 1250 यूरो का, और 500 GB है 1600 यूरो का। और उसके बाद में जैसे आईफोन 12 अगर देखो तो 64 GB है 900 यूरो का, और 256 GB है 1069 यूरो का। ये मीडिया मार्क में आके हम लोग हमेशा आते हैं 5 मिनट के लिए, बट हमेशा 1 घंटे के लिए यहाँ स्टक हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ कितना अमेजिंग यहाँ पे लग रहा होता है। मन करता है कि ये भी देख लें वो भी देख लें, लेना नहीं होता है फिर भी देखते जाओ। और ये यहाँ पे इतने बड़े बड़े वूफर्स पड़े हुए हैं, तो अगर घर पे, यहाँ पे तो रूएज हाइट का बड़ा प्रॉब्लम है, बट इंडिया में मस्त ये लगा के और पूरा घर पे डीजे बना सकते हो। तो निकल रहे थे इस मार्केट से, लेकिन फिर ये यहाँ पे कैमरा और ये ड्रोन्स का सेक्शन दिख गया, तो ये इसने हमको मतलब अपनी तरफ खींच लिया। तो अभी थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पे, दो हमको अभी लेना कुछ नहीं है, बट देखने में क्या बुराई है। ये टेलीकॉम की भी शॉप है यहाँ, तो आप इसमें भी जाके जैसे सारे फ़ोन के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह और इनके जैसे डेटा वगैरह के प्लान भी देख सकते हैं। और ये आ गया यहाँ एप्पल का स्टोर, तो अब इसमें चलते हैं। सरप्राइजिंगली पहली बार देखा है कि यहाँ कोई लाइन नहीं है, बट लेट्स सी अंदर जाने देंगे कि नहीं, तो देखते हैं फिर डिटेल्स यहाँ पे। और अनदर ऑपरेटर है O2, तो आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे फोन के प्लान्स और डेटा के प्लान्स सब मिल जाएंगे आपको। ओके, तो शिल्पा आप चर्चा करते हैं फोनों के ऊपर। तो सारे शॉप्स वगैरह में जाके देख के आ गए, वोडाफोन, टेलीकॉम, O2, मीडिया मार्क्ट वगैरह में ऊपर ऊपर से मतलब सारे प्लान्स देख लिए। मीडिया मार्क्ट का आपको थोड़ा सा टूर भी करवा दिया, तो अब बात कर लेते हैं। सचिन आप बताओ, इन्फॉर्मेशन शेयर करो, सबको आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई ज्यादा पसंद आ रही है। तो हाँ, मतलब क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने जैसे स्टूडेंट के लिए जब आए थे तो आपने ना आपने भी तो हाथ ही ले रखा है, आईफोन तो आपने भी ले रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट जैसे आपने ऐसे स्टूडेंट भी जैसे मैं मेरी स्टूडेंट जीवन से अवगत आपको करा पाऊंगा। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए लेना थोड़ा अलग बात होती है, स्टूडेंट के लिए लेना है तो फिर प्रीपेड से स्टार्ट करें। जैसे मतलब यहाँ पे क्या सिस्टम है उससे शुरुआत करते हैं। जैसे आप एज ए स्टूडेंट आते हो या फिर जॉब पे आते हो, तो पहला दिन अगर आपका है और आप जा रहे हो मार्केट में, तुम्हें भी अपना याद होगा, तो उस दिन से शुरुआत करते हैं। तो मान लो आपके पास फोन मोस्ट प्रोबेबली होगा, और नहीं होगा तो उस केस को भी अपन यू नो उस केस के बारे में बात करेंगे। तो अपने को सिम लेनी है, राइट? तो सिम कार्ड यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रोसीजर, अपना पासपोर्ट लेके जाओ और अपना जो भी यहाँ का वीजा आपको मिला हुआ है उसको लेके जाओ, शॉप पे जाओ, जो भी शिल्पा ने अभी बताई वैसी कोई भी शॉप पे जा सकते हो। और आई थिंक 7-ish यूरो से लेके और अप टू तो 30-40 यूरो तक के आपको प्लान मिल जाएंगे। हाँ, मैं जब यहाँ पे आई थी ना, तो मैं एकदम शॉक हो गई थी यहाँ पे प्राइजेस वगैरह देख के, क्योंकि जैसे इंडिया में तो आई थिंक काफी सस्ता हो गया, मतलब 300-400 रूपए में तो महीना 2 महीने तक का 1 GB पर डे, 370 रूपए में आई थिंक 80 डेज ऐसे कुछ प्लान आ रहे हैं इंडिया में। तो मतलब ऐसा होता है कि अनलिमिटेड ब्राउजिंग करो। यहाँ पे मैं आई और शॉप में मैं गई थी, वहाँ पे था कि 15 यूरो या 10 यूरो का प्लान था उस दिन, 12 या 13 यूरो का प्लान था, 2 GB मिल रहा था पूरे महीने के लिए। मैं क्या करूंगी इसका, वो प्रीपेड सिम थी। हाँ। तो वही है कि 1 या 2 GB आई मीन इंडिया में तो अपने को 1 या 2 GB पर डे मिल जा रहा है, तो आई मीन डेटा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है उस हिसाब से देखें तो। हाँ, तो यहाँ पे मतलब वही है कि डेटा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन लेने का सिस्टम जैसे हमारे इंडिया में यूजुअली होता है ना कि पोस्ट पेड है और प्रीपेड है, वो दोनों ऑप्शन तो यहाँ पे है ही। फिर एक यहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्ट वाला बेसिस का भी वाले फोन। बाकी मैं यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन करना चाहती हूँ कि डेटा बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन भाई ये कि जरूरत भी पड़ती है। जैसे यहाँ पे वैसे तो ये है कि वाईफाई हर जगह अवेलेबल है, बसेस में मिल जाएगा, ट्रेन में मिल जाएगा, कॉफी शॉप्स वगैरह में, एरोप्लेन में मिल जाएगा, हवाई जहाज में, फेरीज में, वाटर फेरीज में, कैफे में, सब जगह ना हो गया ओके। वाईफाई बहुत सारी जगह अवेलेबल होता है, लेकिन हर जगह बहुत अच्छी स्पीड नहीं आती, तो ऑफ कोर्स आपको आपके फोन में डेटा चाहिए ही होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ओके। अब मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, और सचिन को भी ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, तो यू डू द टॉकिंग। जनता जवाब चाहती है कि कौन ज्यादा बोलता है। मैं चुप। ओके, चलो, डेटा एक्सपेंसिव है, ये काफी फंडा सबके क्लियर हो चुका है। मतलब ये अगर किसी को सुबह उठा के जल्दीबाजी में भी एग्जाम दिला दोगे तो भी वो लिख देगा कि डेटा एक्सपेंसिव है, ठीक है। एनी हाउ, तो प्रीपेड की हमने बात कर ली, तो प्रीपेड में ऐसा फंडा है कि 4-5 यूरोज में भी प्लान स्टार्ट होते हैं, और आप उसमें डिपेंड करता है कि जैसे इंडिया में भी होता है या फिर आप अपने जो भी कंट्री में रहते हो, कि रिचार्ज कराना है तो कराओ, नहीं तो मत कराओ उस महीने में। तो जैसे हम लोग स्टूडेंट थे तो उस टाइम में जैसे 7 यूरो का रिचार्ज करा लिया,
फिर एक महीना जो शिल्पा ने बताया फ्री वाईफाई होता है जहाँ जहाँ पे वहाँ वहाँ से जुगाड़ करते करते अपन ने एक महीना फ्री में। मैं जब नहीं आई थी मैंने सिर्फ फर्स्ट मंथ में रिचार्ज करवाया, उसके बाद मैंने दो तीन महीने तक रिचार्ज नहीं करवाया क्योंकि मैं घर पे ही रहती थी तो कोई अनलिमिटेड वाईफाई था। हाँ, और जैसे कहीं जाओ थोड़ा बहुत तो मिल जाता था, वरना और ऐसे कॉलिंग तो इतना नीड नहीं पड़ती थी मुझे यहाँ पे क्योंकि व्हाट्सएप कॉल हो जाता है आजकल, मतलब फोन वाला कॉल तो ऐसा लगता है करना ही नहीं पड़ता है, रेयर पड़ता है। तो ये तो बात हो गई प्रीपेड कनेक्शन जो कि मोस्ट प्रिफर्ड होता है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट पेड कनेक्शन की, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? तो पोस्ट पेड में डॉक्यूमेंट्स तो वही रहेंगे, अपना पासपोर्ट और जो आईडी प्रूफ है वो। और अगर अपन बात करें पैसा कितना लगेगा, तो पैसे में यार अगर देखें तो 10-15 यूरो से स्टार्ट हो जाते हैं प्लान, और अप टू तो वही है 30-40 यूरो तक जाएंगे, जिसमें 40 GB 50 GB आपको पर मंथ का प्लान भी मिल सकता है। बट वही बेसिक 1-2 GB से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो 10-15 यूरो मतलब वही 1000-1200 रुपए से आपके प्लान स्टार्ट होते हैं। बट यूजुअली जो गुड प्लान मानोगे आप जिसमें 5-10 GB तो एटलीस्ट मिले, वो आपको 25-30 यूरो में मिल जाएगा, ठीक है, जो कि अगेन 2500 रुपए हो गए अपने इंडियन करेंसी में। हाँ, तो ये तो बात हो गई जो पोस्टपेड और प्रीपेड जो हमारे इंडिया में भी काफी ज्यादा कॉमन चीजें हैं। अब बात करते हैं जो यहाँ पे फोन और सिम का कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो कि इन सब कंट्रीज में काफी ज्यादा प्रेफर्ड है। आपने सुन भी रखा होगा कि फोन की कॉस्ट तो जीरो आ जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में आप लेते हो, जो कि बहुत सारे केसेस में पॉसिबिलिटी भी है। तो अब बात करते हैं कि उसमें क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो उसमें अगेन फोन पे डिपेंड करता है, अगर आप बड़ा हवाई जहाज टाइप का कोई आइटम लोगे तो काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको 1 यूरो में भी फोन का कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे आपने 1 यूरो दे दिया उस दिन और बाकी और कोई प्राइस नहीं, समझाओ मुझे कुछ नहीं पता कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस हिसाब से आप समझाओ कि मैं आई। हाँ, तो जैसे आप यहाँ पे आते हो तो उस दिन अगर आप चाहो तो मीडिया मार्ट या सैटर्न या फिर जो भी मीडिया स्टोर होते हैं या फिर जो भी O2 या फिर टेलीकॉम और वोडाफोन इनके स्टोर पे जाओ और वहां पे आप देखो कि आपको फोन कौन सा पसंद है। पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना फोन कौन सा लेना है। तो फॉर एग्जांपल आपने सैमसंग या आईफोन का कोई भी एक यू नो फोन चूज किया या फिर शाओमी कोई भी आपने फोन चूज किया, फिर आप उस बंदे से पूछते हो कि मेरे को कितने का प्लान लेना है, तो कितनी जीबी आपको चाहिए, जैसे मंथली आपको 2 GB या 5 GB में अगर आपको सफिशियंट है वो आप बताते हो, तो फिर वो आपका प्लान आपको कॉन्फिगर करके बताता है कि आपका यू नो 20-25 यूरो या 30 यूरो तक कितना आपका मंथली अमाउंट लगने वाली है उस फोन की। और उसमें फिर ये भी डिपेंड करता है, फोन अगर आपका काफी कॉस्टली होगा तो ऐसा चांस भी हो सकता है कि आपको एक वन टाइम पेमेंट भी देना पड़े, जैसे 100 यूरो 200 यूरो देना पड़ सकता है। तो जो 1000-1200 यूरो के फोन आते हैं इनमें यूजुअली ऐसा रहता है कि 100-200 यूरो देने पड़ते हैं। अगेन अगर आपको जीरो करवाना है तो आपकी मंथली ईएमआई बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, और जैसे जो अगर कम रेंज वाले फोन है उनमें तो आप जैसे 1 यूरो हाँ, देके और अपना प्लान शुरू कर सकते हो, तो वो काफी चीप पड़ जाता है। उसके बाद में अगेन वही डेटा पे डिपेंड करेगा, अगर आप 20 GB तक का ले रहे हो तो आपकी कॉस्ट कम रहेगी, अगर आप 40-50 GB में जाना चाहते हो कि मुझे तो हर जगह अनलिमिटेड स्क्रोलिंग चाहिए तो उसमें फिर आपका प्लान, और जैसे मान लो फोन भी महंगा है तो वो अगेन फिर 40-50 यूरो तक चला जाएगा। जैसे अभी हम देख के आए थे तो आईफोन अगर किसी को लेना है मान लो 1200 यूरो वाला आईफोन प्रो, वो कितने में बंदा ऑन एन एवरेज ले सकता है? अगर आप आईफोन 12 प्रो मैक्स की देखते हो तो वो 1200-1300 यूरो का फोन है, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 50 यूरो पर मंथ में वो पड़ेगा। तो जिसमें आपको आपका जो ये पोस्टपेड का कॉन्ट्रैक्ट है ये भी आ जाएगा और फोन की कॉस्ट भी कवर हो जाएगी, और इसमें आपको आई थिंक 100 या 150 यूरो इनिशियली देने पड़ेंगे। तो अगर आप ऑल इन ऑल देखते हो तो इसमें 1300-1400 यूरो आपको देने पड़े इन टोटल। ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है 24 मंथ्स का, तो इसमें आपको फिर जो आपको पोस्टपेड का जो प्लान मिला ना वो ऑलमोस्ट फ्री सा हो गया, राइट? क्योंकि फोन की कॉस्ट लगी इसके अंदर, या फिर आप उसको उस तरीके से समझ सकते हो कि आपके डेटा की ही कॉस्ट लगी, क्योंकि डेटा का प्लान ही आपका 30-40 यूरो का मिल रहा है, क्योंकि उसमें 30-40 GB आपको इंटरनेट मिलेगा पर मंथ। जबकि अगर नॉर्मली सिर्फ सिम कार्ड के साथ में अगर इतना डेटा लेना जाओगे तो नहीं मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। तो भी मतलब 30-40 यूरो लग गया तो उससे बेटर क्या फोन का ही ले लो, राइट? हाँ एग्जैक्टली, तो उसमें फिर मतलब आपका या तो फोन फ्री हो जाता है उस टाइप से फायदे में रहता है, मतलब बेनिफिट में रहते हो। तो इस वाले चीज पे हम रेकमेंड करेंगे कि इनकेस अगर आप इंडिया आ रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि फोन इंडिया से लेना है तो वी विल से कि एक बार आप मत लो, जर्मनी आके आई थिंक यहाँ से फोन के साथ में जो आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे ना सिम वाला वो आपको बेटर पड़ेगा। बट यहाँ पे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो ये कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो उस टाइम पे यू नीड टू आस्क देम कि कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। हाँ, जो वो आपको बता रहे हैं कि ये वन टाइम है, ये मंथली है, ये इंस्टॉलेशन है, दो तीन प्राइस भी है कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली, जैसे हमारे साथ में हो गया था, हमको लगा था कि जो एक सर्टेन प्राइस थी आई थिंक 60 यूरो कुछ था ना, हाँ, 60 समथिंग उसका था, उसका में बिल आने लगा तो वो उसमें 12 यूरो ऐड होके आ रहा था कुछ तो ज्यादा, मतलब क्योंकि वो टैक्स होके आ रहा था, तो वो हमको नहीं बताया। तो लेते टाइम में वही अपने को लगता है कि यही एक फिक्स प्राइस है 60 यूरो 50 यूरो, बट अगेन फिर आपको लगेगा अरे ये टैक्स कहाँ से आ गया, तो उसी दिन आप पूरा का पूरा फुल एंड फाइनल प्राइस पूछो उनको, पूछो। हाँ, और फिर सेकेंडली आप ये पूछो कि जैसे मान लो अभी जैसे प्री ऑर्डर्स चलते हैं आजकल फोन, तो वो जब आपका फोन
फोन आ जाएगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट शुरू होएगा कि वो उस दिन से ही हो जाएगा प्री ऑर्डर से. जैसे मान लो फोन आ रहा है 2 महीने बाद में, तो 2 महीने की कॉस्ट फिर आपकी फालतू लगेगी. तो उस चीज पे आप निगोशिएट कर सकते हो. यहाँ पे सारी निगोशिएशन होती है इन सब चीजों में, क्योंकि भाई ये सेल्स पर्सन रहते हैं, उनको अपना अपना सेल करना होता है. तो डू ट्राई टू निगोशिएट, एक्स्ट्रा सिम ले लो, एक्स्ट्रा डेटा ले लो, कॉस्ट कम करवा लो, वो सब हो जाता है. थर्डली आपको देखना पड़ेगा कि जब कैंसिलेशन आपको करना हो, मान लो 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें फिर कैंसिलेशन में कुछ तो वो नहीं है हिडन कंडीशंस वगैरह, बहुत बार ही डिफिकल्ट रहता है, वो जरूरी है. और फिर जैसे कैंसिलेशन यूजुअली 3 महीने पहले करवानी पड़ती है, तो जब आप वो ले लो तो उसका ध्यान रखना, क्योंकि मे बी हो सकता है कि वो सेल्स पर्सन आपको नहीं बताए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा और फिर आप कैंसिल नहीं कर पाओगे. तो 3 महीने अब टाइम रहते हैं, उसको कैंसिल करा लो, उनको कॉल करके, या फिर रिटर्न में भी. कई बार ये लोग रिटर्न में भी मांगते हैं कि हमको रिटर्न में एप्लीकेशन चाहिए. हाँ, तो ये सब चीजों का थोड़ा आप ध्यान रखना. और बाकी और तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ? आई थिंक यही है. मतलब अगेन एक और फंडा रह गया कि अगर आपको ओनली फोन ही चाहिए, आपको सिम कार्ड आपने यहाँ पे आते प्रीपेड ले लिया, बट आपको फोन भी चाहिए अभी, और वो आपको बिना सिम के चाहिए, तो उसके भी ऑप्शंस हैं. वो भी आप चाहो तो ईएमआई बेसिस पे ले सकते हो. वो और ईएमआई बात हो जाती है जो फोन्स की. और फिर मेन बात कर लेते हैं कि कैन ए स्टूडेंट बाय आईफोन इन जर्मनी, या फिर कोई भी बड़ा वाला फोन. तो ये पॉसिबल है, क्योंकि आप स्टूडेंट जब आते हो यहाँ पे, तो आपका पार्ट टाइम जॉब भी आप यहाँ पे ट्राई करोगे, तो उसमें भी आपकी 600-700 यूरो अर्निंग होगी, तो उसमें आप अगेन अफोर्ड कर सकते हो 10 to 50 यूरोज वाले, डिपेंडिंग आपको कितनी क्या यू नो स्पेंडिंग करनी है, बट इजिली अफोर्ड कर सकते हो. मैंने देखा 10 to 20 यूरोज वाले फोन भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं आज के दिन में, और उनमें भी अगेन आप खाली फोन की कॉस्ट दे रहे होते हो, आपका प्लान फ्री हो जाता है. हाँ, और अगर आईफोन भी लेने जाओ या कोई सैमसंग वगैरह के जो हाई एंड लेने जाओ, तो वो भी 50 यूरो के आसपास आपका बन जाएगा प्लान डेटा. मतलब 50 में तो प्रो मैक्स आ जाएगा उनको. हाँ, अगर आपको वही चाहिए 12 मिनी या फिर 12 यूजुअल वाला 12. और इसमें फायदा ये भी है कि एक साथ नहीं जाएगा सारा पैसा, आप मंथली जाता रहता है तो वो इतना पॉकेट पे हर्ट नहीं करता. दो अमाउंट आप वही देते हो, बट हाँ वही है वो ईएमआई का फंडा. So that's it for this video, guys. I hope आपको helpful लगा हो, मतलब phones की जो हमने information share करी वो, और बाकी जो ये भी stores वगैरह दिखाए वो भी आपको अच्छे लगे हो देखने. काफी time से comments आ रहे थे कि electric market के ऊपर बनाई है, तो ये मीडिया मार्क यहाँ का one of the biggest electric market है. एक Saturn और है, उसमें फिर कभी आपको लेके चलते हैं. बाकी यहाँ पे गफार जैसे और ये सब मार्केट भी होते हैं क्या, चोर बाजार और वो सब? नहीं, वैसे यहाँ पे छोटी दुकानें जरूर होती है, जो लोग यू नो हैंडी वैंडी आपका जो फोन होता है उसको ठीक करने की यू नो शॉप्स होती है, बट वही है यूजुअली लोग ये सब ये वाले बड़े वाले सुपर मार्केट ही. इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और इनमें फोन मतलब शूट करना सबसे ज्यादा मुश्किल हमने देखा है. बहुत मुश्किल है. मैंने दो लोगों को पटाया कि भाई एक दो एटलीस्ट फोन के शॉट ले लेने दो, तब जाके वो बोले कि हाँ चलो. ग्रोसरी वगैरह में फिर भी इजी रहा है, यहाँ पे हम जितनी बार में आए ना डांट खा के और वापस बाहर आए कि निकल जाओ, करते हैं इसको मत शूट करो, उसको मत शूट करो, कोई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बड़ा पंगा रहता है. फिर भी हमने थोड़ा सा हाँ कर लिया. आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें. हाँ, और अगर फिर अभी भी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, हम ट्राई करेंगे आंसर करने की. और बाकी मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए. बाय एंड टेक केयर.